पूरे करप्ट सिस्टम में एक ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, उसने भी सुसाइड कर लिया। भविष्य में जब तुम कुछ बड़ा बन के मेरे पास आओगे और मुझे लगेगा कि तुम अपने पापा के लिए कुछ कर सकते हो, तभी मैं तुमसे दद्दू के बारे में कुछ बात करूंगा। देखो सचिन बाबू, डर उनको लगता है जिनके पास खोने के लिए कुछ होता है। नौकर हूँ, मालिक बनाकर नहीं रखा है। लखन, वो बीते करीब 10-12 साल पहले हनुमान सुसाइड केस का इंचार्ज कौन था? UPSC की तैयारी करने वाले हर लड़के की यही दिक्कत रहती है, और रियलिटी सिलेक्शन के बाद ही पता चलता है। मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है, मुझे आपसे आज ही मिलना है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? नहीं मामू। मामू, आपको आते देखकर अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे मेरे पापा यहीं कहीं आसपास हों। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। ये देखिए मामू, ये देखिए, मेरे पापा ने सुसाइड नहीं किया था, मर्डर हुआ था उनका। क्या? ये सब कहां से मिले तुझे? MLA के डस्टबिन से। मामू, मेरे पापा इतने कमजोर नहीं थे कि सुसाइड कर लेते, उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर किया गया था। और किसी के मजबूर करने पर सुसाइड करने को सुसाइड नहीं, मर्डर कहते हैं मामू। बेटा, उसे पता है कि तुम हनुमान के बेटे हो, और ये सब डस्टबिन से निकालकर यहां मेरे पास लाए हो? नहीं मामू, अब आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि उस वक्त ऑफिस में क्या चल रहा था कि मेरे पापा इतने परेशान रहते थे। बेटा, ये फोटो और हनुमान दद्दू के कागज जो ऑफिस में होने चाहिए थे, वो MLA शरद के यहाँ कैसे पहुंचे, ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। मामू, आप मुझसे बिना कुछ छिपाए उस समय की पूरी बात बताइए, बाकी सब तो मैं पता लगा ही लूंगा। बेटा, तुम्हारे पापा पर इस बच्चे के किडनैपर से मिले होने का झूठा आरोप था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा, लखन मामू का फोन है। मामू, उस रात को आखिरी बार आपकी पापा से क्या बात हुई थी? आइए मामू। बेटा, तुम अंदर जाकर पढ़ाई करो। हेलो। हाँ दद्दू, ऑफिस के कुछ हालचाल सुने हो? अरे नहीं जानना है यार, वहां क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। जिंदगी भर की कमाई इज्जत कुछ ही छड़ों में चली गई। ऑफिस में आपके नाम का सस्पेंशन लेटर आया है, आपको सस्पेंड कर दिया गया दद्दू। हेलो दद्दू, हेलो।
पता लगाऊंगा किसकी चाल थी दद्दू को फंसाने में। नहीं मामू, अब ये पुलिस के बस की बात नहीं है, इससे मैं पर्सनल तरीके से हैंडल करूंगा। ध्यान रहे बेटा, कोई गलत कदम मत उठा लेना कि मुझे मजबूरन तेरे हाथों में हथकड़ी लगानी पड़े। राजेश, तुम्हारी चाय नहीं बनी, हम सारे मटर छील डाले हैं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ये क्या है? कद्दू। यू ससुरा बहुत बोले लाग है। अरे भाई, अब राजवन के साथ उठना बैठना कहाँ रहा भाई? इलेक्शन में पार्टी उठाना गिराना तो पब्लिक के हाथ में है, अब दो तीन बार से पब्लिक की मेहरबानी हम पर बनी है तो क्या ही किया जाए। भाई जैसे अब भारत की 140 करोड़ आबादी में हजार दो हजार लोगों के भूखे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही एक एमएलए के लिए एक दो दरोगा के गायब होने से क्या ही फर्क पड़ता है इस पुलिस डिपार्टमेंट में। मतलब मेरे पापा इन जैसे दैत्यों के हाथों के भी शिकार हो सकते हैं। सब चाय। जाओ घर चले जाओ, शाम को खाना बनाने का समय आ जाना। जी साहब। ये इतनी ठंडी चाय कैसे हो गई? चाय बना के सो गए थे क्या? जाओ दूसरी चाय लेके आओ। लेना। मन नहीं यार। तुम्हारे पापा और एमएलए शरद सक्सेना तो अच्छे दोस्त हैं। हाँ, नहीं थे। मतलब ऐसा क्या आ गया कि उन दोनों के अच्छे रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई? मैं सब बताऊंगा मेरे दोस्त, पहले ले, खाने से नाराजगी नहीं करते। ये लो बेटा, केला खा लो। पापा मुझे नहीं खाना है। बेटा खाने से नाराजगी अच्छी नहीं होती है। किताब के लिए गुस्सा हो, सुबह चलना साथ में, ले आएंगे चल के।
देख भाई, मुझे नहीं पता तू किन हालातों से गुजर रहा है, लेकिन तुझे देखकर इतना तो जरूर कह सकता हूं कि तुम किसी बड़े परेशानी में जरूर हो। करीब 10-12 साल पहले की बात है, एमएलए अंकल इलेक्शन जीतने के लिए मेरे पापा को धोखा देकर इलेक्शन तो जीत गए थे, लेकिन उस दिन मेरे पापा को हार गए थे। कैसा धोखा? शरद, तुमने ठीक नहीं किया है, बिल्कुल तुमने धोखा दिया है मुझे। अरे साहब, कैसा धोखा? आप अपने गिरेबा में झांक कर देखिए कि खुद कितने गिरे हुए हैं। आप कैसे आदमी हैं? धंधे और राजनीति के चक्कर में अपने मरे हुए बेटे के किडनैप की एफआईआर करवा दिए। लेकिन आपने मुझसे वादा किया था इसमें किसी की जान नहीं जाएगी। वो ईमानदार पुलिस वाला था, उसके साथ अन्याय हुआ है। अरे तो मुझे कहां पता था कि वो पुलिस वाला इतने कमजोर दिल का निकलेगा। कर लिया सुसाइड, मैं कर भी क्या सकता हूं। वैसे भी ऐसे ईमानदार पुलिस वाले का जीना भविष्य में खतरा ही तो बनता है। शरद, दूसरे नेताओं की तरह इलेक्शन की जीत तुम्हारे सर पर भी सवार हो गई है। जीत है साहब, अगर सर चढ़ के भी ना बोले तो काहे की जीत। और हां साहब, पुलिस थाने के चक्कर में मत पड़िएगा। एमएलए हूं यहां का, जितने हम गुनहगार हैं उतने ही आप। आपका अपने ही धंधे में खरा उतरना मुश्किल कर दूंगा। वैसे भी आपका एक लड़का भी तो है। धमकी दे रहा हूं मुझे, निकल जाओ मेरे घर से। मित्र थे, एक सलाह देके जा रहे हैं कि ईमानदारी और न्याय का भूत अगर सर से उतर जाए तो एक बार फिर हमें ज्वाइन करने आ जाइएगा। ये तो मेरे भाई की फोटो है, तुझे कहां से मिली? यार, उन लोगों के बीच इतनी बातें हुई होंगी तो क्या वहां पर उस ईमानदार दरोगा के नाम का जिक्र भी नहीं हुआ होगा? यार कुछ बताए तो थे लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। हनुमान ओझा नाम होगा। हाँ हाँ सही पकड़े हो, लेकिन तुमको कैसे पता? कैसे नहीं जानते, वो पापा थे हमारे। सॉरी यार, लेकिन मेरे पापा किसी की जान लेने की नीयत से एमएलए का साथ नहीं दिए थे। देखो, एमएलए को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। और हाँ, ये सब चीजें पापा से अपने शेयर मत करना यार। ठीक है भाई, लेकिन याद रखना, एमएलए के बुरे कामों में साथ देने वाला आदमी मेरा बाप ही था। और हाँ, जैसे तूने मुझे एक नई जिंदगी दी है, बस वैसे ही एक बार मैं अपने पापा के लिए तुझसे विनती करता हूं। राजेश, माँ को खाना खिला के चले जाना, मैं रात देर से आऊंगा।
मुझे मारने से तेरा कोई मतलब हल नहीं होगा। बाप का बदला लेना है तो शरद सक्सेना को मार। अम्मा, आप गूंगी नहीं है? और आपको ऐसा मेरे बारे में कैसे पता चला? जो आदमी अपने गलत काम को छिपाने के लिए अपनी माँ के दखल से परेशान होकर उसकी आंखों में पत्थर रखवाने के लिए डॉक्टर को पैसा दे सकता हो, वो किसी भी हद तक गिर सकता है। मतलब अगर आपकी आंखें पत्थर की हैं, तो आपने हमको कैसे देख लिया? बेटा, सब आदमी मेरे बेटे जैसे दैत्य नहीं होते। उस डॉक्टर की माँ का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। उसने कभी माँ का प्यार नहीं पाया, इसलिए वो पैसों से ज्यादा माँ की इज्जत करता था। काला चश्मा लगाने को दिया और बोला, कुछ ना देखने की, एक्टिंग करना। तब से बस वही चला आ रहा है। तो अभी तक शरद सक्सेना को पता नहीं चला इसके बारे में? आपको डर नहीं लगता? हम शरद सक्सेना को बता देंगे। नहीं बताओगे? अपने बाप का बदला जो लेना है तुम्हें। कमाल है, आज पहली बार माँ बेटे का ऐसा रिश्ता देखा है जिसमें माँ अपने बेटे को मारने के लिए कह रही है और उधर बेटा अपनी माँ की मौत चाहता है। राजेश। हाँ साहब। एक कप चाय लाना। ठीक है साहब। हाँ ठीक ठीक। हाँ चाय पीकर आता हूँ। हाँ बस ठीक है, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, उसे रोक कर रखना। राजेश, ये चाय जूठी नहीं है, इसको माँ को दे दो। मुझे आने में देर लगेगी, माँ को खाना खिलाकर चले जाना। सब चाय तो पी के जाइए। अरे ये सीएम वीएम के चोचले बहुत होते हैं, एक बार निकल जाएंगे फिर मिलेंगे नहीं। सब 2 मिनट लगेगा, अब चाय खत्म कर लीजिए फिर जाइए। अरे यार ऐसा है, ये चाय माँ को दे देना। अम्मा, आपके बेटे बोल के गए हैं कि ये चाय आपको पिलाते हैं। अपने जमाने में हिंदी फिल्में हमने भी बहुत देखी हैं। जा, ये जहर वाली चाय फेंक और फ्रेश चाय बना ला मेरे लिए। अरे कहाँ इस बुढ़िया से भी पंगा ले लिए। मैं उसे मार डालूंगा मामू। अपने हाथों से उसकी जान लेकर इतना बड़ा पाप मत कर देना। जब तू बच्चा था तब उसने तुझे रहने खाने का आसरा दिया है। हाँ तो उसने कोई नेक काम नहीं किया है मामू। जुनून के साथ उड़ने के लिए तैयार उस पंछी को अपाहिज करके
उसने अपने पिंजरे में बंद रख के सिर्फ दाना पानी दिया है। बेटा, जोश में नहीं होश में रहकर काम करने की जरूरत है। अरे तो क्या करूं, उसे छोड़ दूं? बाप के कातिल को छोड़ दूं? एक आइडिया है बेटा, एसपी मैडम के पास सारे सबूत लेके चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। मैं आई कमिन मैम। कमिन। जय हिंद मैडम। जय हिंद। यहाँ कैसे आना हुआ लखन? वो राघवेंद्र बता रहा था बहुत जरूरी काम है। जी जी, बैठिए प्लीज। थैंक यू मैडम। कहो क्या बात है लखन? मैडम, एक बार आप 10-12 साल पुराने हनुमान सोसाइट केस के बारे में बात कर रही थी। हाँ, लेकिन वो तो क्लोज करवा दिया गया था। हाँ मैडम, लेकिन उससे जुड़े कुछ सबूत मिले हैं, अगर केस रीओपन हो जाता तो। कहाँ से मिले हैं सबूत? मैडम, मैं राजेश ओझा, ये देखिए मैडम, स्वर्गीय हनुमान ओझा को शहीद हनुमान ओझा बनाकर उनको इंसाफ दिलाना चाहते हैं मैडम। कहाँ से मिले हैं ये? मैडम, ये पिताजी के मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे एमएलए शरद सक्सेना के घर से मिले हैं। और पता तो ये भी चला है मैडम कि जिस बच्चे के किडनैपर से मिले होने का इल्ज़ाम मेरे पापा पर था, वो तो कब का मर चुका था मैडम। क्या गारंटी है कि ये एमएलए के ही घर से मिले हैं? ये भी तो हो सकता है कि लखन ऑफिस से निकाल कर लेकर चलाया हो। नहीं मैडम, ये सही कह रहा है। जी मैडम। ओके, ये डॉक्यूमेंट्स यहीं रहने दो, आप रुक जा सकते हैं। थैंक यू। मैडम, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जय हिंद। जय हिंद। हेलो, साले आस्तीन के सांप, मेरी बिल्ली हम ही से मैं हूं, तू मेरी कंप्लेन करेगा? तुझे मालूम है पूरे अल्फाज नगर का एक भी पत्ता मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिलता, फिर तू इस करप्ट सिस्टम से क्या उम्मीद करता है? हाँ, मैंने ही तेरे बाप को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया था, और अब तुझे अपने बाप के कातिल की सेवा करने को मजबूर करूंगा। शरद सक्सेना, अब तू खुद को बर्बाद होते देखेगा और मैं तुझे बर्बाद करूंगा। मुझसे जबान लड़ाएगा? सचिन आया साहब। जी साहब। अब इसकी तलाशी लेकर इसको अंदर आने देना। ठीक है साहब। खड़ा क्या है, तलाशी ले इसकी। जी साहब। ए आस्तीन के सांप, चाय बनाकर लेकर आ, और हाँ, उसमें अपना जहर मत उगल देना। ठीक है साहब। इस नरक से निकलने का बस एक ही तरीका बचा है,
डीएसपी ऑफिस में कुछ झोल लग रहा था, इसीलिए सबूत की सारी कॉपीज मैंने पहले से ही बनवा रखी थी। ये देखिए राजू, ठीक है अंदर भेजो। भाई पापा सीएम और होम मिनिस्टर तक बात पहुंचा दिए, कुछ ही देर में आपका फोन बजने। लो आ ही गया। बोला था ना जब बर्बाद कर दूंगा। मेरे टुकड़ों पर पलने वाले साले दो कौड़ी के डीएम, तुझे मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं है। ए एमएलए, अपने शब्दों को ऊंचा उठाइए, आवाज को नहीं। अब तो तुझे पता चल ही गया होगा कि हर यूपीएससी क्रैक करने वाला बच्चा नेताओं के तलवे नहीं चाटता। कुछ मेरी तरह अड़ियल भी होते हैं जो अपने हक के लिए उनके बराबर खड़े होकर मुकाबला भी करते हैं। ए! मुझसे दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी तुझे। आवाज नीचे। वैसे खुशखबरी है तेरे लिए, वो एसपी संध्या साहू के सस्पेंड होने में अभी पूरे 24 घंटे बाकी हैं। रोक सके तो रोक ले। एडीएम, तू अपनी अवकाश से ज्यादा बोल रहा है। मैं कोई ऐरा गहरा एमएलए नहीं हूँ। सीएम से लेकर होम मिनिस्टर पीएम सबके साथ उठना बैठना है मेरा। ऐसा सक्सेना दुर्भाग्य अपना तांडव दिखाने से पहले अपनी एक झलक जरूर दिखाता है। आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू। जय हिंद सर। क्या बवाल मचा रखे हो सीएम बाबू? अरे सर, वो शरद सक्सेना याद है ना आपको? अरे वही जो इलेक्शन के चक्कर में 10-12 साल पहले कोई कांड किए थे, जिसका कच्चा चिट्ठा खोल रहा है वो कल का आया हुआ डीएम। देखिए बिलास बाबू, पहले तो उस शरद से बोलो इधर फोन न करे हमको। इलेक्शन टाइम में 2-4 बार मुलाकात क्या किए, वो सिर पे सवार हो रहा। अरे बताओ, वो मिनिस्टर है हम, कोई कल का चुनाव में उतरा नौसिखिया नहीं है। और हाँ, इलेक्शन सर पर है, सत्ता नहीं गिननी चाहिए। अरे सर, इसी चक्कर में तो उस एसपी का सस्पेंशन लेटर जारी करवाए हैं। देखिए बिलास बाबू, जो भी करना पड़े कीजिए, हमको कोई बवाल नहीं चाहिए। रखते हैं फोन। जय हिंद सर। जय हिंद सर। बहुत देर से फोन ट्राई कर रहे हैं, बिजी जा रहा था। जय हिंद जैसा कुछ छोड़े कहाँ हो तुम शरद, तुम्हारे लिए होम मिनिस्टर से बात कर रहे थे। बहुत गुस्से में हैं, दोबारा उनको फोन मिला मत देना। सर 3-4 बार से सबसे ज्यादा सीट हमारे यहाँ से निकलती है, अगर हम बैठे तो चुनाव निकाल नहीं पाएंगे साहब। अरे उस बुढ़वे होम मिनिस्टर का दिमाग तो ठंडा हो जाने दो भाई, तभी तो तुम्हारे लिए बात करेंगे। अब जो जितना ऊपर बैठा है उसके उतने ही गर्म मिजाज। अब तुम अपने आप को ही ले लो, जब तुम एमएलए बने थे तो तुम्हें क्या जरूरत थी उस रजवंत और उस दरोगा से भिड़ने की? अगर भिड़े भी थे तो उसके लड़के को भी निपटा देते लगे हाथों। अरे सर, जो हो गया सो हो गया, आगे का देखिए। बात कीजिए होम मिनिस्टर से। इंतजार करते हैं फोन का। जय हिंद सर। अरे वो हनुमान का लड़कावा। अरे वो राजेश यार, शेर निकला शेर, बाप पाल के कलंक का सही साबित करके दिखाई दीस। अरे आजकल चुनाव जीते खातिर हमका तुमका शिकार बना ले ई विधायक एमएलए। सही कहो भैया।
ऑर्डर जारी है। देखिए विराज बाबू, पीएम मैडम का कहना है एक दो एमएलए जिनकी भी वजह से पार्टी पर उंगली उठे तो उन्हें त्याग देना ही बेहतर होता है। विपक्ष इसका फायदा उठाए या पूरी पार्टी पर कीचड़ उछले, उससे पहले ही उस शरद को त्यागने के रास्ते निकाल लेने चाहिए। ठीक है सर, हम करते हैं बात। देखो सक्सेना, अभी जो हो रहा है होने दो। इलेक्शन के बाद हम तुम्हें जेल से बाहर निकलवा ही लेंगे किसी तरह। अब इलेक्शन है, कोनो सरकारी नौकरी का फॉर्म तो है नहीं कि जेल जाने के बाद इलेक्शन लड़ने में कोनो पाबंदी होगी। जय हिंद सर। चलिए सर, हो गया, फोन दीजिए। अल्फाज नगर की सबसे बड़ी खबर, वर्षों पहले दरोगा हनुमान ओझा पर लगे किडनैपर से मिले होने के आरोप का हुआ बड़ा खुलासा। हनुमान ओझा की सुसाइड के पीछे पाई गई एमएलए शरद सक्सेना की रंजिशें, जिसके चलते आईपीसी धारा 306 के तहत हनुमान ओझा को आत्महत्या करने के लिए उकसाने की वजह से एमएलए शरद सक्सेना को सुनाई गई 10 वर्षों की सजा। एमएलए शरद सक्सेना की अनजाने में मदद करने की वजह से अल्फाज नगर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राजवंत पर लगा 5 लाख का जुर्माना। देखा लखन, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा बेटा बहुत बहादुर है, एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। जेल जा चुका है।